मनसा सेठ के वहां बड़े बड़े सेठ विराजमान है। हवेली के अंदर चिट्ठी लिखवाई जा रही है भात की। साथियों लिख दिया क्योंकि 100 मन से नीचे कोई सामान नहीं लिखा। सोने वस्त्र आभूषण ना जाने कितने कितने कणी मणि का हार सारे किस प्रकार से लिखवाया जा रहा है। कोने में खड़ी है हरनंदी, रो रही है, देख रही है कि आज मेरे पिता की कैसे गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। साथियों अपनी सास के पैरों में लेट जाती है जो कहने लगी कि सासू माँ मेरा पिता जो फक्कड़ फकीर है उसके पास एक वक्त की रोटी खाने तक का जो मोहताज है। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट ये भात कैसे भरेगा। साथियों अपनी सास के चरणों में लेट गई और न्यू कहने लगी इस बात के माध्यम से। बंदगी हर नंदी की हिलकी एर कोनार झाल डटी थी दिल की या चिंता रे होगी गात में मेरा बाबुल हुआ फकीर बताते देगा बात में बताते देगा बात में हर नंदी की हिलकी खोजा चार गटी की दिल की चिंता वो रात में हो मेरा बाबुल हुआ फकीर बता के देगा बात में बता के देगा बात में कायस्तान रहाना रे होनी होगी मान रहाना बाबुल कायस्तान रहाना वह तो टोके साथ में वो मेरा बाबुल हुआ फकीर बता के देगा बात में बता के कभी मेरा पिता बहुत बड़ा सेठ था ना जाने कितने लाखों करोड़ों का उनका व्यापार चलता था। बड़े बड़े साहूकार उनके चरणों में सर झुकाया करते थे। दूसरी बात के माध्यम से हरनंदी अपने पिता के बारे में क्या कहते कह दिया था अरे बड़े बड़े साहूकारा में वो इज्जत पाता था वो बड़े बड़े साहूकारा में वो इज्जत पाता था। चलाता हुक्म लगा दरबार जहाज से होता था व्यापार चलाता
पार जहाज से होता था व्यापार घना दम उसकी बात में वो इस भगवान और भगत की रागड़ी पर खुद होकर के नंद कौर जी के जो हमारी माता जी उनके पड़ पोते हैं गौतम जी और गौरव जी 5 रुपए से सम्मान करते हैं। रक्षित पोता वो भी 5 रुपए से हमारी टीम को आशीर्वाद नंद कौर जी के पोते हैं बार बार धन्यवाद करते हैं। सज्जनों तीसरी बात के माध्यम से रोते हुए हरनंदी न्यू कहने की अपने साथ के बता दिया हो गया तेरा जाता भगवान जा मेरा उसका उजड़ हो गया तेरा बैठा आज जमात में ओ हो बाबू रे फकीर बता के देगा बात में बता के देगा बात में माता जी के पड़ पोते हैं नंद कौर माता जी के ज्ञान वो भी 5 रुपए जमा टीम को सम्मान करते हैं बार बार करते हैं। सजनों न्यू कहने लगी कि माता जी जब बड़े बड़े यहाँ सेठ बैठे होंगे जिसके पास एक कौड़ी भी नहीं है वो यहाँ करके उसकी कितनी बड़ी बेइज्जती करोगे आप अंतिम बात के माध्यम से क्या कहेंगे क्या बता दिया डूब के कड़े मरेगा वो हो गए की तो ही डूब के कड़े मरेगा वो बैसला छंद सुमर के सतगुर खिलन चंद धरे हरे राम बैसला छंद सुमर के सतगुर खिलन चंद अखाड़ा बैसला तुम्हें चिंता होने बात में बबुल हुआ फकीर बता के देगा बात में बता के देगा बात में